हे गाइस, चंद्रचूड़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही धमाकेदार टॉपिक और आप देखेंगे कि फिर से ये वीडियो आपको मजा आ जाएगा। और बात करेंगे हम लोग आज एमपीटेट मध्य प्रदेश स्टेट के बारे में, जो एक टॉपिक है जिसका नाम है आपदा एवं प्रबंधन, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चंद्र इंस्टीट्यूट प्रयागराज पे एक बार आप सभी का स्वागत है। और जल्दी से आप लोग लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। और ये जो टॉपिक है आपदा प्रबंधन, मुझे लगता है कि ये सभी स्टेट के टेट में भी आता है, ठीक है। तो आपदा एवं प्रबंधन के बारे में आइए हम लोग जानते हैं। इसको जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि गाइस आपदा क्या होता है, आपदा क्या होता है, आइए हम लोग जानते हैं। तो देखिए यहां पर जैसा लिखा है कि प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन। तो इसकी परिभाषा यहां पे लिखा है कि यह एक ऐसी आकस्मिक और प्रलयकारी प्रकोप है, यह एक ऐसी आकस्मिक और प्रलयकारी प्रकोप है जो किसी समुदाय या समाज को के काम काज को गंभीर रूप से प्रभावित करती है, जिससे जान माल को खतरा हो जाता है और पर्यावरण क्या होता है, क्षति हो जाती है, ठीक है। तो यही हो गई क्या आपदा की परिभाषा। आपदा को आप समझ में आया, आप ऐसे समझ सकते हैं कि यह एक प्रलयकारी या आकस्मिक घटना बिना बताए हुए आई हुई एक ऐसी घटना है जिसके द्वारा किसी भी समाज को या समुदाय को गंभीर रूप से खतरा हो जाता है और वहां पर रहने वाले सभी जो है जो समाज में रहने वाले जो लोग हैं उनके कामकाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है, अन्य जीवों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और पर्यावरण को बहुत ज्यादा क्षति होती है। तो ये आपदा की परिभाषा आपने देखा, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि आइए हम लोग देखते हैं क्या आपदा के कोई प्रकार है, क्या आपदा के प्रकार की अगर हम लोग बात करेंगे तो आपदा के प्रकार में आपको हो जाएगा आपदा के अगर आप प्रकार को देखेंगे तो यहां पर दो होता है, एक होता है स्थल पर और एक होता है क्या है वायुमंडल में। एक होता है स्थल पर, अगर स्थल पर हम बात करें, और फिर दूसरा क्या है वायुमंडल द्वारा, वायुमंडल द्वारा यहाँ पर आपदा आती है। स्थल में कौन कौन सी आपदा आती है तो आप यहाँ पर देखेंगे आपके पास आ जाता है क्या भूकंप एक आपदा है स्थल पर, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आ जाता है आपका भूकंप के बाद आ जाता है भूकंप के बाद आपका आएगा सुनामी, सुनामी आ जाएगा। और उसके बाद फिर सुनामी के बाद स्थल पर और कौन सा आता है आप बताएंगे और कमेंट करेंगे जल्दी से, स्थल पर और कौन सा आता है आपका, आता है यहां पर जलवायु परिवर्तन होता है, जलवायु परिवर्तन। और उसके बाद क्या होता है गाइस भूस्खलन, ये किस पे होते हैं स्थल पर। अगर हम बात करें किसके द्वारा, वायुमंडल द्वारा, तो वायुमंडल द्वारा ही क्या होता है आपका चक्रवात आता है, बाढ़ वर्षा होती है उसके वजह से आता है, फिर क्या है यहां पर सूखा वर्षा के न होने के कारण आता है, ठीक है, बाढ़ हो गई, चक्रवात हो गया, वर्षा हो गया। उसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं कि बादल का फटना इसी में हो जाएगा, बादल का फटना हो जाएगा। और उसके अलावा यहां पर क्या हो जाएगा ओलावृष्टि, उसके अलावा यहां पर हो जाएगा गाइस ओलावृष्टि, ठीक है। तो आपदा के प्रकार में आपने देखा स्थल पर भूकंप, सुनामी जो है, जलवायु परिवर्तन भूस्खलन होता है, और आपदा के प्रकार में फिर दूसरा देखा आपने वायुमंडल। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसके अलावा क्या होता है कुछ यूनिवर्सल जो है आपदा होती है, जैसे उल्कापिंड या फिर अन्य उल्कापिंड हो गया, या फिर अन्य धूमकेतु, अन्य आकाशीय पिंडों का उल्कापिंड या अन्य आकाशीय पिंडों का टकराना, ठीक है, टकराना। और इसी में उल्कापिंड के साथ आ जाएगा कई बड़ी धूमकेतु, ठीक है, धूमकेतु को ही आप क्या बोलते थे, पुच्छल तारा बोलते थे, ठीक।
तो ये हो गया यूनिवर्सल या ब्रह्मांडी, क्या ब्रह्मांड का हो गया क्या कहते हैं आपदा। उसके अलावा यहाँ पर गैस होती है मानव जनित। देखिए जब हम मानव जनित की बात करते हैं, यहाँ पर इसको मैं हटाना चाहूंगा, अगर हम मानव जनित की बात करते हैं अब देखिएगा मानव जनित आपदा में कौन सी आती है, मानव जनित आपदा में क्या है बताइए, खनन से आता है क्या बताइए, भूकंप। ठीक है, मानव जनित में खनन हो जाएगा उसके वजह से भूकंप आएगा। उसके अलावा कई बार क्या होता है भूस्खलन भी होता है। ठीक है, तो ये मानव जनित में हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें मानव जनित द्वारा रासायनिक आपदा की, तो विभिन्न हानिकारक गैसें हो जाएंगी। उसके अलावा यहाँ पर धुआं हो जाएगा। ठीक है, धुआं हो जाएगा, और फिर इसके साथ साथ यहाँ पर तेल रिसाव भी आपदा में आता है, जिससे कई बार समुद्र में जलीय जीवों द्वारा क्या होता है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। और उसके बाद फिर कई बार आप इसको कह सकते हैं भोजन, जब फूड पॉइजन हो जाता है तो भोजन का विषाक्त होना। और फिर लास्ट में आप देखेंगे कि जहरीली शराब से भी कई बार लोग मरते हैं, तो यह भी क्या है एक आपदा का कारण बन जाती है। ठीक है, तो रासायनिक में हमने देखा विभिन्न हानिकारक जहरीली गैसें, धुआं हो जाता है, तेल रिसाव हो जाता है, भोजन का विषाक्त फूड पॉइजनिंग हो जाती है, और जहरीली शराब जिसके वजह से भी आपदा आ जाता है। राइट, उसके आगे अब हम लोग आगे चलेंगे। देखिए कई बार जो है जैविक ऑर्गेनिक में क्या होता है, ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम होती है। यहां पर मैं एक चीज और बता दूं, जैविक आपदा आप इसको देख लेंगे, जैविक आपदा में क्या होता है कि फसलों में लगने वाले जो कीट होते हैं ना, कीट को प्रॉब्लम हो जाती है। जैविक आपदा में क्या होती है, फसलों में जो लगने वाले कीट होते हैं वह कीट कौन से होते हैं। कई बार फसलों को फायदा पहुंचाने वाले बहुत से कीट होते हैं, तो जब हम उस पे कीटनाशक डालते हैं या खाद डालते हैं, तो फसलों को लाभ पहुंचाने वाले कीटनाशक है वो खत्म हो जाते हैं, और पौधे फिर उसमें क्या होता है उसकी पैदावार कम हो जाती है। तो हम लोग देखा जैविक, मानव जनित, और फिर क्या है कि रासायनिक। इसके अलावा अगर हम बात करें राजनीतिक कारण की, तो राजनीतिक कारण में हो जाता है रासायनिक युद्ध हो जाता है और हथियारों का हमला हो जाता है। देखिए यहां पर एक चीज और लेना चाहेंगे, आगे चलेंगे राजनीतिक, क्या राजनीतिक आपदा भी कोई होती है क्या, राजनीतिक आपदा। अगर हम राजनीतिक आपदा की बात करें, यहां पर युद्ध हो जाता है राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, या फिर विभिन्न हथियारों का हमला। तो हथियारों के हमला से या फिर युद्ध से, जिसमें परमाणु हमला भी हो सकता है, ये भी एक आपदा का बहुत बड़ा कारण है, जिससे कई बड़ी जनसंख्या, जैसे अभी आपने हाल ही में देखा है ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है, तो क्या है कि जंग माहौल बन गया है, और ईरान के बहुत ज्यादा लोग प्रभावित तो हो रहे हैं, तो ये भी एक आपदा का कारण है। ठीक है, अब हमने देखा था उसमें शुरू से स्थल में देखा था भूकंप, अब हम लोग यहां से पढ़ेंगे गाइस भूकंप के बारे में। ठीक है, अब हम लोग यहां से पढ़ेंगे भूकंप के बारे में, आइए देखते हैं भूकंप के बारे में। एक आपदा है भूकंप, और उसके बारे में पढ़िए, और मुझे लगता है जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसी में आएगा और आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आइए यहां से अब हम लोग देखेंगे भूकंप।
भूकंप। देखिए भूकंप होता क्या है, यहां पर है एक शब्द भू, भू से मतलब होता है क्या बोलो, भूमि, और कंप से हो जाएगा कंपन, भू क्या हो जाएगा कंपन, अर्थात भूमि का कंपन, भूमि का कंपन ही क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। अब इसको आप कैसे कहेंगे कि अचानक पृथ्वी की सतह पर अचानक झटके से अचानक महसूस किए गए झटके को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। ये बताइए क्या भूकंप आता है तो बड़ा कर तो आता नहीं, वो अचानक आता है, इसलिए पृथ्वी की सतह पर या पृथ्वी पर अचानक महसूस किए गए झटके को या कंपन को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। अब भूकंप आया है तो इसको क्या होगा, भूकंप आया है तो इसका आप देख लोगे कारण, भूकंप के कारण क्या होते हैं, भूकंप के कारण क्या होते हैं। तो सबसे पहले भूकंप के कारण में आप सभी को पता है कि पृथ्वी के नीचे जो चट्टान है ना, चट्टानों के गति के कारण, चट्टानों के गति के कारण भूकंप आता है, चट्टानों के गति के कारण भूकंप आता है। उसके अलावा और बताइए, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होता है, ज्वालामुखी उद्गार, अभी मैं सब समझा रहा हूं, ज्वालामुखी उद्गार के कारण भूकंप आता है। उसके अलावा गाइस आता है परमाणु परीक्षण के कारण, अभी बता रहा हूं इसके कैसे आता है, परमाणु परीक्षण के कारण भूकंप आता है। उसके अलावा गाइस आता है बड़े बांधों का निर्माण, इससे भी क्या आता है, भूकंप जैसी स्थिति बन जाती है। ठीक है, पृथ्वी के नीचे चट्टानों की गति हो गई, प्लेटों की गति हो गई, ज्वालामुखी उद्गार हो गया, परमाणु परीक्षण हो गया, बड़े बांधों का निर्माण, और इसी में एक हो जाएगा खनन। कैसा, बड़े स्तर पर जब खनन होते हैं तो कई बार तब भी क्या होता है, भूकंप जैसी स्थिति बन जाती है। अब हम इसमें देखिए चट्टानों के कारण कैसे भूकंप आता है। देखिए पृथ्वी की सतह के नीचे जो प्लेटें होती है ना, जब वो एक दूसरे की तरफ गति करती हैं तो कई बारी उसमें टकराव होता है, तब भूकंप आता है, जिसको अभिसारी गति करते हैं कहते हैं। और कई बारी जब प्लेटें एक दूसरे से सटती हुई या रगड़ती हुई एक दूसरे की तरफ या एक दूसरे के विपरीत क्षैतिज गति करती है, ऐसे तब कंपन होता है, जब ऐसे क्षैतिज गति करती है तब कंपन होता है, और तब भी क्या आता है, भूकंप आता है। तो ये हो गए प्लेटों के कारण। ज्वालामुखी उद्गार के कारण भूकंप कैसे आता है, इसको आप देख लीजिए, ज्वालामुखी उद्गार के कारण भूकंप कैसे आता है। मान लीजिए कि यहां पर कोई ज्वालामुखी है और यहां से क्या है, ज्वालामुखी निकल रहा है, यहां से ज्वालामुखी निकल रहा है। ठीक है, अब बताइए बहुत दिन से यह ज्वालामुखी बंद था, लेकिन जब अचानक के झटके से यह ज्वालामुखी निकलेगा तो आसपास के एरिया में कंपन होगा कि नहीं बोलो, होगा, अर्थात ज्वालामुखी के कारण हो गया भूकंप। और अगला देखते हैं क्या, परमाणु परीक्षण। मुझे लगता है आप सभी लोगों ने टीवी में या फिर किसी मूवी सीरियल में देखा होगा कि जब किसी मिसाइल का परीक्षण किया जाता है तो यहां से मिसाइल निकलती है, ऊपर जाके आसमान में बहुत तेजी से विस्फोट करती है। क्या आपको पता है कि जो परमाणु होता है उसका जब परीक्षण किया जाता है तो पृथ्वी के सतह के नीचे सुरंग बनाकर वहां पर परीक्षण किया जाता है। पृथ्वी के सतह नीचे इसलिए सुरंग बनाकर परीक्षण किया जाता है क्योंकि जो परमाणु होते हैं उसके रेडिएशन जब निकलेंगे तो बहुत से लोगों को प्रभावित करेंगे, तो कई बार लोगों को मृत्यु हो जाएगी, अन्य रोग उत्पन्न हो जाएंगे, इसलिए पृथ्वी के सतह के नीचे परीक्षण करते हैं। तो जैसे पृथ्वी के सतह के बाहर या जो है वायुमंडल में मिसाइल विस्फोट करती है, तो ऐसा ही कुछ विस्फोट पृथ्वी के सतह के नीचे होता है, एक धमाका होता है। और बोले जब धमाका होगा सतह के नीचे, यहां पर जब धमाका होगा तो यहां पर रहने वाले लोग या रहने वाला घर प्रभावित होगा कि नहीं, यहां पर कंपन होगा कि नहीं, अर्थात यहां पर क्या हो जाएगा, भूकंप हो जाएगा, भूकंप इसके वजह से आता है। फिर हम लोग बात करते हैं कि बड़े बांधों के निर्माण से कई बार कैसे आता है भूकंप, बड़े बांधों के निर्माण से कैसे भूकंप आता है, यह समझिएगा। अब देखिएगा बड़े बांधों के निर्माण से, मान लीजिए कि यह कोई स्थल है, यह स्थल का भाग है। अब हमने क्या किया कि स्थल पर ही एक जगह यूं ऐसे करके पानी कजर कर लिया और यहां पर क्या है, बांध बना दिया, यहां पर पानी रोककर बांध बना दिया, ये स्थल है। अब इसके नीचे अगर हम देखें प्लेट, इसके नीचे अगर हम प्लेट देखें तो प्लेट को अगर हम देखें तो यहां पर मान लीजिए दो प्लेटें हैं, ये हो गई P1 प्लेट, ये हो गई P2 प्लेट। ठीक है, अब देखिए स्थल का ही भाग है,
अब अगर मैं बात करूं कि P1 का घनत्व ज्यादा होगा कि P2 का घनत्व ज्यादा होगा, P1 का घनत्व ज्यादा होगा या P2 का, तो आप जरूर बताएंगे किसका घनत्व ज्यादा होगा गाइस, P2 का। क्यों? क्योंकि देखिए यहां तक तो दोनों का घनत्व, यहां तक दोनों का घनत्व P1 और P2 का बराबर है, लेकिन जब उसके ऊपर हमने इष्टा बांध, जब उसके ऊपर हमने बांध रख दिया और इष्टा जल रख दिया, तो बताइए इसका और भार हो गया कि नहीं, और जब इस पे भार आएगा तो इस पे दबाव डालेगा, अर्थात इसका घनत्व P2 का घनत्व ज्यादा हो जाएगा। और बोले जब P2 का घनत्व ज्यादा हो जाएगा तो ये प्लेट एक, ये दो, ये प्लेट, तो यहां से ये वाली प्लेट थोड़ा सा नीचे खिसकेगी कि नहीं, और जब नीचे खिसकेगी तो इस वाले एरिया में या फिर इधर इस वाले एरिया में क्या है, कंपन उत्पन्न होगा, अर्थात भूकंप जैसी स्थिति बन जाएगी। ठीक है, तो यहां से आपने देखा कि भूकंप आने की ये कुछ प्रमुख कारण थे, भूकंप आने के ये कुछ प्रमुख कारण थे। आइए अब हम भूकंप के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब भूकंप के बारे में और हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले पृथ्वी है, ठीक है। तो पृथ्वी के नीचे सतह से जहां से भूकंप निकलती है, भूकंप के तरंगे उठती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा, भूकंप मूल। उसे क्या कहते हैं, भूकंप मूल, या फिर कहते हैं उसे उद्गम केंद्र। उसे क्या कहते हैं, या फिर उसे कहते हैं उद्गम केंद्र। पृथ्वी के सतह के नीचे से जहां से भूकंप निकलता है उसको हम लोग कहते हैं उद्गम केंद्र, ठीक है। पृथ्वी के सतह पर यहां से निकल, पृथ्वी के सतह पर जिस स्थान पर सबसे पहले भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अधिकेंद्र। उसे क्या कहते हैं, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहां से भूकंप निकला उसे भूकंप मूल या उद्गम केंद्र कहा, और जहां झटके महसूस किए गए उसे हमने क्या कहा, अधिकेंद्र कहा, ठीक है, अधिकेंद्र कहा। अब देखिए जब यहां से कहीं पर अगर भूकंप आया है, तो ध्यान रखिएगा जो भूकंप की जो तीव्रता मापते हैं वह मापते हैं किसमें, रिक्टर पैमाने में मेजर करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा भूकंप का अगर यहां पर मापन पूछेंगे तो एक हो गया रिक्टर पैमाना और दूसरा क्या हो गया, मर्केली पैमाना। कौन सा हो गया, मर्केली पैमाना। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं अच्छे से। इसकी देखिए इसके बारे में बताया गया था रिक्टर पैमाने के बारे में 1935 में एफ रिक्टर ने बताया था, मर्केली के बारे में 1931 में बताया गया था। ये है कुछ नहीं, अभी मैं बता रहा हूं। पैमाना देखिए भूकंप की तीव्रता को रिक्टर पैमाने में और किसमें, मर्केली पैमाने में मेजर किया जाता है। अगर देखिएगा यहां से फिर से अगर पूछेगा भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है गाइस, तो इसको कहते हैं क्या, सिस्मोलॉजी। अब देखिए लॉजी का मतलब आप समझ रहे होंगे अध्ययन होता है, और सिस्मो मतलब होता है कंपन, अर्थात भूकंप के अध्ययन का कहलाएगा सिस्मोलॉजी कहलाता है। और भूकंप को मापने का जो यंत्र होता है या फिर उपकरण होता है, उसे क्या कहते हैं, फिर से सिस्म आएगा, सिस्म का मतलब ही होता है क्या, सिस्म जो है कंपन, सिस्मोग्राफ। यहां से आपके इतने क्वेश्चन बन गए। देखिए जहां से भूकंप था उसे आपने भूकंप मूल या उद्गम केंद्र कहा, जहां पर पृथ्वी सबसे पहले झटके महसूस हुए उसे आपने कहा अधिकेंद्र, या फिर क्या कहा उसे, इपिक सेंटर कहा। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर पैमाने का और क्या है, मर्केली पैमाने का प्रयोग किया जाता है 1935 में से 1931 में से। भूकंप का जो अध्ययन क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी कहलाता है, और भूकंप मापने का यंत्र क्या कहलाता है, सिस्मोग्राफ कहलाता है, ठीक है। आइए अब थोड़ा सा हम लोग और देखते हैं आगे। देखिए सिस्मोग्राफ क्या है, मर्केली पैमाना क्या है, उसके बारे में ये देखते हैं हम लोग। मान लीजिए कि एक ऐसा होता है, एक बॉक्स जैसे संरचना होती है जिसमें एक जो है छड़ लगा दिया जाता है जो हवा में लटकी हुई होती है, और इसको पिन कर दिया जाता है इधर से, और इसमें क्या है कि इसमें भर दिया जाता है क्या, बालू भर दिया जाता है, ये हवा में लटकी हुई होती है, और यहीं पर क्या है जोड़कर एक स्केल लगा दिया जाता है गाइस,
जिसमें जीरो से और क्या है 9 तक के कुछ अंक लिखे होते हैं। ठीक है, पहले मैं बता रहा हूं, 0 से 12 तक के अंक लिखे होते हैं। और क्या होता है, जब ये पृथ्वी पर रखा होता है, ठीक है, पृथ्वी पर रखा होता है, जब झटके आते हैं और ये हम लोग बता किसके बारे में रहे हैं, यही क्या है गाइस, यह है क्या बोलो, सिस्मोग्राफ। यह क्या है, सिस्मोग्राफ है, जिसमें भूकंप को मापने वाला उपकरण है। जब भूकंप आता है तो ये पूरा जो बॉक्स टाइप संरचना है ये हिलता है, और जब ये हिलता है तो ये भी ऊपर नीचे हिलता है, और जब ये ऊपर नीचे हिलता है तो इसमें लगी हुई जो स्केल है ना, इसमें लगी हुई जो स्केल है ये भी ऊपर नीचे होता है। यहाँ पर एक निडिल सुई लगी होती है, ये भी ऊपर नीचे होती है निडिल। तो यहां से पता चलता है कि अधिकतम सुई कहां तक गई, निडिल कहां तक गई, न्यूनतम कहां तक आई। तो यहां से हमको पता चल जाता है कि जो तीव्रता है कितने, न्यूनतम या अधिकतम कितने तीव्रता का भूकंप आया है। ठीक है, अब देखिए, एक पहले थे जिनका नाम था मर्केली साहब थे, 1931 में जब बनाया था। तो मर्केली साहब ने कहा कि भैया जो उपकरण है, सिस्मोग्राफ है, इसमें आप मेरा पैमाना, ये जो स्केल है ना, इसको लगा लो और इस स्केल में 0 से लेकर 12 तक के अंक लिखे हैं। ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने जब 0 से लेकर 1 लिखा तो उसके बीच में कुछ पॉइंट्स नहीं लिखा, 0 के बाद 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4, ऐसे करके अधिकतम 12 अंकों तक इन्होंने लिखा था, 12 अंकों तक इन्होंने लिखा था। और उसके बाद यह कुछ दिन चला 1931 में चला था, कुछ दिन चला। फिर क्या हुआ कि 1935 में एक और आते हैं, कौन, एफ रिक्टर साहब आए। उन्होंने कहा कि भैया मेरी स्केल ले लो और स्केल को यहां पर लगा दो। और उन्होंने जब अपनी स्केल को बनाया तो उसने क्या किया है, उन्होंने, रिक्टर साहब ने अपनी स्केल बनाया तो 0 से लेकर जब 1 लिखा तो उन्होंने कहा भैया 0 के बाद 0.1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ऐसे करके, फिर 1 के बाद यूं करके पॉइंट, फिर 2, फिर यूं करके 5 खाने, फिर 3, फिर यूं करके 5 खाने। और फिर रिक्टर साहब ने कहा कि 0 से 9 तक के अंक को इन्होंने शो किया और यहां पर 1, 2 ऐसे करके पॉइंट कर दिया। अब यहां पर जो मर्केली पैमाना था वो थोड़ा सा ओल्ड हो गया और यहां से चल पड़ा रिक्टर पैमाना भूकंप को मापने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार रिक्टर पैमाना आपने समझ लिया होगा, मर्केली पैमाना आपने समझ लिया होगा, सिस्मोग्राफ में ही लगा होता है ये स्केल, इसके बारे में आप लोगों ने समझ लिया होगा। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखेंगे कि जो भूकंप होता है ना, भूकंप होता है जो पृथ्वी के सतह से, पृथ्वी के आंतरिक संरचना से, पृथ्वी के नीचे से सतह से, जो यहां से तरंगे निकलती है, ये 3 प्रकार की तरंगे निकलती है। कौन सी 3 प्रकार की तरंगे निकलती है? एक तो सबसे पहले निकलती है पी तरंगे, या फिर इसी को कहते हैं प्राथमिक तरंगे। दूसरी हो जाती है कौन, एस तरंगे, सेकेंडरी वेव्स, या फिर इसको कहते हैं द्वितीयक तरंगे कहते हैं। और तीसरी होती है एल तरंगे या धरातली तरंगे। अब यहां पर देखेंगे, प्रश्न पूछा है कि PSL इनमें से सबसे खतरनाक कौन सी होती है या सबसे विनाशकारी कौन सी तरंग होती है। तो देखिए, अगर हम बात करें यहां पर तरंगों की, तो यहां पर जो तरंग है पी तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग होती है। इसकी गति सबसे तेज होती है। अब आप कहेंगे कि जब इससे इसकी गति सबसे तेज होती है तो इससे नुकसान क्यों नहीं होता, इससे थोड़ी सी कम गति होती है। एस तरंगे जो कि अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ठीक है, इससे नुकसान क्यों नहीं होता। एल तरंगे की गति सबसे कम होती तो इससे नुकसान क्यों होता है ज्यादा। अगर पूछ ले कि सबसे ज्यादा विनाशकारी कौन है, तो विनाशकारी तरंग कौन सी हो जाएगी, विनाशकारी तरंग एल तरंगे हो जाएगी या धरातली तरंगे हो जाएगी। एक्चुअली में होता क्या, ये जो पी और एस तरंगे हैं, यह कहां, पृथ्वी के सतह के नीचे अंदर चलती हैं, अंदर ये डांस करती है, धूम मचाती है। अब हम कहां रह रहे हैं, पृथ्वी के अंदर के ऊपर, हम रहते हैं पृथ्वी के सतह के ऊपर। जब पृथ्वी के सतह के ऊपर रह रहे हैं और जो एल तरंगे है ना, ये चलती है धरातल को पकड़ के, तो बोलो किससे सबसे ज्यादा विनाश होगा, ये विनाश होगा हमको एल तरंगों से। ठीक है, अर्थात एल तरंगे सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है। उसके बारे हम लोग आगे देखते हैं,
पैमाना मैंने बता दिया, मरकेली पैमाना और प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक तरंगे जो है। अब देखते हैं कि विश्व में सबसे ज्यादा भूकंप कहां पर आता है, सबसे ज्यादा भूकंप कहां पर आता है, इसको देखेंगे। सबसे ज्यादा जो भूकंप आता है, आगे देखते हैं, सबसे ज्यादा भूकंप, देखिए अब भूकंप के क्षेत्र ज्यादा नहीं, बस हल्का सा ही आपको पढ़ना है, भूकंपी क्षेत्र। देखिए अगर विश्व की बात करूं मैं, तो ये आपका हो जाता है कुछ उत्तरी अमेरिका, यहां से हो जाता है क्या कुछ दक्षिणी अमेरिका, ये हो जाता है अफ्रीका महाद्वीप, यहां पर कनाडा हो जाता है, और इधर से अगर आप आएंगे तो ये हो जाता है यूरोप, और यूरोप से जुड़ा हुआ पूरा क्या हो जाता है, यहां पर एशिया हो जाता है ना, ये पूरा एशिया और ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, और बीच में अगर आप देखें तो बीच में ये पूरा, ये इसके चारों तरफ क्या है, ये पूरा प्रशांत महासागर है, ये पूरा क्या है, प्रशांत महासागर है। अब देखिएगा भूकंप तब आएगा जब दो प्लेटों के घनत्व में अंतर होगा, या तो एक प्लेट अगर भारी है तो नीचे, और अगर हल्की है तो ऊपर, तो ऊपर यहां पर जो प्लेटों के बीच वाला भाग होगा वो कंपन होगा, तो प्लेटें क्या होगी, ऊपर नीचे होंगी और भूकंप जैसी स्थिति आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये क्या है, स्थल भाग है, और ये क्या है बोलो, ये जल है, ये स्थल जल, और इस प्रकार आप देख रहे हैं कि पूरा प्रशांत महासागर महाद्वीप के चारों तरफ, और सबसे बड़ा महासागर भी है प्रशांत महासागर। इसलिए अगर पूछ ले कि सबसे ज्यादा भूकंप कहां से आते हैं, सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं परिप्रशांत पेटी में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। विश्व में कितने, लगभग 65% भूकंप आते हैं, 65% परिप्रशांत पेटी में आते हैं, बाकी 21% इन महाद्वीपों के आंतरिक भागों में आते हैं, महाद्वीपों के बीच में कितने आते हैं, 21% भूकंप आते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा परिप्रशांत पेटी, परि का मतलब चारों तरफ, प्रशांत का मतलब जो है प्रशांत महासागर, पेटी का मतलब आपको पता है, अर्थात प्रशांत महासागर के चारों तरफ जो बेल्ट है या पेटी है, वहीं पर क्या है, सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। अगर हम बात करें भारत की, भारत में सबसे ज्यादा भूकंप कहां पर आता है, तो उसको मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर हम भारत की बात करें कि भारत में सबसे ज्यादा भूकंप कहां आता है, ठीक है, आइए देखते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा भूकंप कहां आता है, ठीक है। एक बार मैं आपको भारत का नक्शा मैं बनाऊंगा, अगर थोड़ा सा भी मुझसे बन पा रहा है तो मैं आपको बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आइए थोड़ा इंडिया का मैप बनाते हैं, और इसको आप देखिएगा, इसको इसलिए बना रहा हूं ताकि हम लोग आसानी से समझ सके कि भारत में सबसे ज्यादा भूकंप कहां आता है, ठीक है। बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश है मेरी कि ठीक ठाक बन जाए, राइट। ओ शिट, अभी तो देखिए पूरा इंडिया का मैप ही आ गया है ना, ए यू, ठीक है, एक सेकंड, ओ शिट, अरे ऐसे ही हो जाएगा, ठीक। अब देखिए फिर से बनाना पड़ेगा, अच्छा बन गया था थोड़ा सा, इंडिया का मैप बनाते हैं, ठीक।
अब देखिए मैप बन गया। अब भारत में अगर पूछेगा कि सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आता है, तो भारत में सबसे ज्यादा भूकंप ये आपका हो गया क्या, ये हिमालयी क्षेत्र हो गया, हिमाचल प्रदेश, और ये उत्तराखंड हो गया, और फिर इधर से इस वाले नेपाल वाले क्षेत्र में आता है, और ये पूर्वोत्तर भारत में आता रहता है। अर्थात हिमालयी क्षेत्र में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। भारत में सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आते हैं, तो हिमालय क्षेत्र में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। और उसके अलावा सब अगर पूछेगा भूकंप के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है, तो आपको पता है ये गुजरात वाला ये सबसे ज्यादा भूकंप का जो है क्षेत्र। अब देखिए क्यों, क्योंकि देखिए ये क्या है, स्थल है और ये क्या है, अरब सागर है। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ, भूकंप जल और स्थल से क्यों आता है। देखिए मान लीजिए कि ये क्या है, ये कहीं पर स्थल है और यहां से लेकर यहां क्या है, इतने में जल है, ठीक है। स्थल वाला भाग ये हो जाएगा, आप इसको देखिएगा और समझिएगा। ये मान लीजिए कि यहां पर स्थल है, ये स्थल हो गया, ये आ गया इस जल वाला भाग, ठीक है। अब देखिएगा, ये फिर से मैं कहूंगा आपको, ये हो गई, ये प्लेट हो गई, ठीक, ये प्लेट हो गई, ये हो गई P1 और ये हो गई P2। अब आप बताएंगे कि किसका घनत्व ज्यादा है, P1 का घनत्व ज्यादा है या P2 का घनत्व ज्यादा है। देखिए यहां पर P1 और ये, यहां तक अगर देखेंगे तो P1 और P2 का घनत्व लगभग बराबर है, लेकिन ये स्थल हो गया, ये जल हो गया, अर्थात यहां पर जो घनत्व ज्यादा हो जाएगा वह P2 का घनत्व ज्यादा हो जाएगा, और जिसका घनत्व ज्यादा होगा फिर से वो नीचे आए, जिसका घनत्व कम है वो ऊपर जाएगा, अर्थात ये नीचे वाला, ये वाली प्लेट थोड़ा सा नीचे खिसकेगी तो इस वाले क्षेत्र में क्या हो जाएगा, भूकंप आ जाएगा। अर्थात जो भूकंप है, भूकंप किसके वजह से आता है, जब प्लेटों में क्या है, असमानता आती है घनत्व में, तब भूकंप आता है, ठीक है। तो हम लोगों ने भूकंप में इतना पढ़ लिया भारत में। अब देखते हैं कि भूकंप की भविष्यवाणी से बचने के उपाय क्या है। तो आप कहेंगे इसका कोई भी वैज्ञानिक भविष्यवाणी नहीं है, वैज्ञानिक रूप से भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसके कुछ क्या है, प्राकृतिक भविष्यवाणियां है, या प्राकृतिक तरीका आप लिख सकते हैं, जैसे यहां पर आप लिख सकते हैं क्या, चिड़ियों का चहचहाना, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि बिल में रहने वाले जीव जैसे चूहा हो गया, सांप हो गया, चींटी हो गई आदि का अपने घर से या बिल से निकलकर सुरक्षित स्थान की तरफ जाना। उसके अलावा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुत्तों या बिल्ली का एक लगातार या निरंतर गति से रोना। तो ये क्या कुछ प्राकृतिक कारण है, एकमात्र वैज्ञानिक कारण जो कि आपको समझना है। एकमात्र प्रश्न पूछता है एकमात्र वैज्ञानिक कारण क्या होता है, तो देखिए जब भूकंप आने वाला होता है, ये तो भूकंप जब आने वाला होता है तो ये देखा गया है कि भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडान गैस की मात्रा दिखने लगती है, कैसे रेडान गैस, ध्यान रखिएगा रेडान गैस। प्रश्न पूछता है भूकंप के पूर्वानुमान के लिए किस गैस की सहायता ली जाती है, कौन सी गैस जिम्मेदार है, तो रेडान गैस। अब देखिएगा कितनी देर पहले यह पता चलता है 10 से 12 सेकंड पहले। अब 10 से 12 सेकंड पहले हम क्या कर लोगे भैया, 10 से 12 सेकंड में आप क्या कर लेंगे, अगर 10 सेकंड पहले पता चल गया कि भूकंप आने वाला है, ठीक है। ये तो अमेरिका में 10 से 12 सेकंड पहले। अगर हम भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया में लगभग 2 से 3 सेकंड पहले पता चलता है कि भूकंप आने वाला है। अब इसमें क्या हो गया, मान लीजिए कि कोई रिपोर्टर बता रहा है कि अभी सूत्रों से खबर मिली है कि भूकंप आने वाला है, और उसका सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ और भूकंप आ गया, अर्थात ये जो वैज्ञानिक विधि है ना रेडान गैस की, ये अभी उचित नहीं है या हमारे लिए अभी लाभदायक नहीं है। आगे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ये चीजें हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप ये पूरा आपको समझ में आया होगा।
जो भूकंप कहां से शुरू होता है, कौन सी तरंगे कितने प्रकार की होती है, कौन से खतरनाक है, सिस्मोग्राफ क्या है, सिस्मोलॉजी क्या है, और अधिकेंद्र क्या है, उद्गम केंद्र क्या है, और रिक्टर पैमाना क्या है, उसके अलावा जो है मर्कली पैमाना क्या है, ये सब अब थोड़ा सा इसी से जुड़ा हुआ, भूकंप से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक होता है जिसको मैं बताऊंगा। भूकंप से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक है जिसका क्या नाम है, सुनामी। सुनामी, ठीक है। सुनामी के बारे में आपको पता है कि यह एक क्या है, यह एक जापानी वर्ड है। सुनामी एक कैसा वर्ड है, जापानी वर्ड है, ठीक है। अब देखिए, जब जब स्थल पर या सतह पर जब भूमि में कंपन होती है तो उसको आप भूकंप कहते हो, लेकिन जब किसी सागर में, जब किसी सागर के नीचे से तरंगे जब निकलेंगी, तो ये जो समुद्र की लहरें हैं ना, ये ऊपर ऊपर उठेंगी, और इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। अर्थात जब स्थल पर कंपन होता है तो उसे बोलते हैं भूकंप, जब किसी सागर या समुद्र के नीचे से कंपन होता है, तरंगे ऊपर ऊपर उठती हैं, हाई उठती हैं, तो उस घटना को हम लोग सुनामी कहते हैं, ठीक है। आई होप ये पूरा शॉर्ट वीडियो था, केवल एक टॉपिक लिया गया था, एक आपदा लिया गया था, तो यह आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इसको कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। और एमपी टेट की जैसे बात कर रहा था मैं, तो एमपी टेट का ऑनलाइन कोर्सेस शुरू हो गए हैं। मुझे लगता है कि सारे सब्जेक्ट के आपको डेमो मिल गए होंगे और उसके लगातार वीडियोस आ रहे हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो चंद्र इंस्टीट्यूट लगातार आपके सपोर्ट में हेल्प कर रही है, और लगातार सुबह से लेकर रात तक, रात में भी इवेंट वीडियो बनते हैं, तो आप चाहे तो डेमो देखें और आई पसंद ही आएगा आपको। और जैसा हम लोग यूपी में तहलका मचाए हैं, उसी तरीके से क्या है कि एमपी टेट में भी दमदार रिजल्ट देगा चंद्र इंस्टीट्यूट। तो चंद्र इंस्टीट्यूट का डेमो क्लास चल रहा है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा टीजीटी का डेमो भी क्लास चल रहा है, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो का आप एंजॉय किया होगा, और फिर मिलेंगे हम लोग बहुत जल्द अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।